हेलो फ्रेंड्स, आज के द हिंदू की जो टॉपिक हैं उन पे हम बात करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि पहला टॉपिक हमारा है द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये एक्चुअली न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए, जैसे इंडिया ने अभी एक सैटेलाइट छोड़ा है, तो यूएसए ने ये बोला है कि जो इंडिया के सैटेलाइट छोड़ने से स्पेस में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इंडिया के जो कौन सा सैटेलाइट है उस पर हम बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम ये देखते हैं ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ISS। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज़ ए हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज ए हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये एक ऐसा आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिस पे इंसान रह सकता है। लो अर्थ ऑर्बिट, ये कहाँ पर है? लो अर्थ ऑर्बिट में है। और ये कब बनाया गया था? इसको 1998 में बनाया गया था। और ये एक्चुअली 4-5 कंट्री का एक मिला जुला एक कार्यक्रम था, जैसे उसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया, जापान, यूरोप एंड कनाडा शामिल हैं। तो ये ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज़ ए आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और ये ऐसा सैटेलाइट है जहाँ पर व्यक्ति रह सकता है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये कहाँ पर है? अर्थ के जो लो ऑर्बिट है वहाँ पर है। कब इसको बनाया गया था? 1998 में। और कौन कौन कंट्रीज से शामिल है? क्वेश्चन ये बन सकता है कौन सा देश शामिल नहीं है। तो ध्यान रखना है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया, जापान, यूरोप और कनाडा। ठीक है, तो ये तो था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है ओलिव रिडले। तो ओलिव रिडले कई बार क्वेश्चन बन सकता है, तो व्हाट इज़ अ ओलिव रिडले? तो जैसे आप देख रहे हैं कि ओलिव रिडले इज ए सी टर्टल, ये एक समुद्री कछुआ है। सेकंड स्मॉलेस्ट टर्टल हैं ये बहुत छोटे हैं। और ये वार्म एंड ट्रॉपिकल वाटर हैं, प्राइमरी इन पैसिफिक एंड ओशनिक रीजन। तो क्वेश्चन ये बन सकता है व्हाट इज़ द ओलिव रिडले? तो ओलिव रिडले इज ए सी टर्टल, ये बहुत छोटे होते हैं, वार्म एंड ट्रॉपिकल रीजन में हैं। और कहाँ पर हैं ये? इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। मोस्टली ये अगर भारत की बात करें तो ओलिव रिडले टर्टल सबसे ज़्यादा भारत में उड़ीसा के भीतर कनिका जो बीच है वहाँ पर पाए जाते हैं। अभी ये न्यूज़ में ये है क्योंकि वेस्टर्न घाट पे कुछ ओलिव रिडले का शिकार किया गया या कुछ मारे गए। देखिए, ओलिव रिडले जो टर्टल है उनकी एक खास बात ये है कि ये एक ऐसी स्पीसीज, एक प्रजाति है कि जहाँ पर ये जन्म लेती है वहीं पर ये प्रजनन के लिए आते हैं। यानी जिस जगह पर ओलिव रिडले टर्टल का जन्म हुआ है उसी जगह वापस ये बच्चे देने के लिए भी आएंगे। तो मेन बात याद रखना है कि ये समंदर में, कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं, और ट्रॉपिकल रीजन यानी 0 to 23.5 degrees north और 23.5 degrees south में ये पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अभी ख़तरे में है। ख़तरे में क्यों है? क्योंकि जब लोग मछली पकड़ने जाते हैं तो इतने छोटे छोटे होते हैं, तो जो मछली का जाल होता है उसमें फंस जाते हैं और ये बाहर आ जाते हैं और ये मर जाते हैं। तो इनको ख़तरा है, इसलिए ये न्यूज़ में। तो सिंपल सा, ओलिव रिडले टर्टल हैं, समंदर में पाए जाते हैं, भारत के उड़ीसा के तट पर हैं और पश्चिमी घाट पर हैं, और ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं। मेनली ये इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। जैसे आप देख रहे हैं AFSPA, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर, ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर ये है क्या? दैट इज़ अ एक्ट। ये एक्ट है, किसने बनाया है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने। देखो, एक बार ध्यान रखना, कोई भी एक्ट बनता है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में ही बनता है। जैसे हम बोलते हैं कभी कभी, दिस एक्ट इज
ठीक है, मेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये ध्यान रखना है कि AFSPA आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर इज ए एक्ट, एक कानून है जो पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया है, कैसे एरिया को कंट्रोल करने के लिए जो डिस्टर्ब एरिया हैं। भारत में जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब एरिया होते हैं वहाँ के लिए स्पेशल आर्म्ड फोर्स बनाया गया है, और जिसके कारण हमारे जो फोर्स के लोग उनके पास कुछ स्पेशल राइट होते हैं, है ना, स्पेशल राइट होते हैं, जैसे अरेस्ट करना, है ना, शूट करना। तो ऐसे एरिया जो 3 महीने से अधिक डिस्टर्ब हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ये गाइडलाइन दी गई है, ऐसे एरिया जो 3 महीने से अधिक डिस्टर्ब हैं वहाँ पर AFSPA यानी एफसपा लगाया जा सकता है। अभी भारत में नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश में कुछ एरिया में लगाया गया, इसे जम्मू कश्मीर में लगाया गया, भारत के अभी तक ये 3 जगह लगाया गया, पहला नॉर्थ ईस्ट रीजन, दूसरा जम्मू कश्मीर और तीसरा पंजाब यानी चंडीगढ़ एरिया में। तो ध्यान रखना है कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर इज ए एक्ट, एक कानून है, किसने बनाया है, पार्लियामेंट ने, किस कैसे एरिया को कंट्रोल करने के लिए, जो डिस्टर्ब एरिया हैं, ऐसे एरिया जो 3 महीने से अधिक डिस्टर्ब होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद भारत में ये कितनी जगह लगा है, 3 जगह अभी तक, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर और सेवन सेक्टर। तो ये था AFSPA। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, नेक्स्ट है NGT टॉपिक बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, क्वेश्चन में भी आता है। तो NGT का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। देखो ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है, पहले हमें ये समझना है। ट्रिब्यूनल का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट द्वारा या संसद द्वारा एक ऐसी बॉडी बनाई जाती है जो जुडिशरी का काम करे, यानी जो कोर्ट का काम करे। और ये क्यों बनाई जाती है, इसलिए बनाई जाती है ताकि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका फास्ट डिसीजन हमें लेना पड़ता है। जैसे इंडिया का कोर्ट का तो पता है आपको कितना ज़्यादा पेंडिंग केसेस रहते हैं, तो ट्रिब्यूनल होते हैं, इनको हिंदी में अधिकरण कहते हैं, ये ऐसी संस्था है जो सरकार द्वारा न्यायपालिका जैसे कार्य करने के लिए बनाई जाती है, और इसलिए बनाई जाती है ताकि वो जो बहुत ज़रूरी हमारे काम हैं या जिन पे देरी नहीं की जा सकती, तुरंत निर्णय चाहिए, उनके लिए हम ट्रिब्यूनल बना देते हैं। जैसे ये है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ग्रीन से आप समझ में आ रहा होगा, ग्रीन का मतलब होता है ये इन्वायरमेंट पे काम करेगा। तो ठीक है, देख लेते हैं NGT का फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब बना, ये जून 2010 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में, इनेक्टेड बाई द पार्लियामेंट। फिर हमने बोला है कि ये एक अगर एक कानून बनाया गया है, संस्था बनाई गई है, तो ये पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई है। ये किसका हेल्प करता है, आर्टिकल 21 का, यानी 21 की। देखो हमारे संविधान में हमें स्वच्छ हवा लेने का भी अधिकार है। अगर जुडिशरी क्या होता है, जो न्यायपालिका है, वो संविधान का संरक्षक है, यानी जो भी संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में लिखा है उसका वो पालन करेगी, सुरक्षा करेगी। तो NGT इसलिए बनाया गया है कि RT 21 जो राइट ऑफ लाइफ यानी जीवन का अधिकार है उसको सुरक्षित कर सके। जैसे मान लीजिए कि दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली में जो लोग रहते हैं, अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाए, दिल्ली में अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाए तो यहाँ के लोगों को जीवन खतरा हो सकता है। तो जिस वजह से पोल्यूशन हो रहा है वो चीज़ें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रोक देगा, क्योंकि उसे आर्टिकल 21 का रक्षा करना है, ठीक है, उसे सेफ्टी करनी, किसकी, आपके जीवन की। और जीवन की सुरक्षा का अधिकार किसमें दिया है, संविधान में, और संविधान का संरक्षक कौन है, न्यायपालिका। और न्यायपालिका ने क्या बनाया है,
एनजीटी, तो ये ध्यान रखना है आर्टिकल 20। और किस पे काम करेगा? इन्वायरमेंटल इश्यू पे। तो यानी जो भी इन्वायरमेंटल इश्यू हैं वो एनजीटी में जाएंगे ताकि जल्दी से जल्दी उनका सॉल्यूशन हो सके। हु इज़ द चेयरपर्सन? आदर्श कुमार। तो कभी ये क्वेश्चन बन सकता है एनजीटी के चेयरपर्सन कौन है। एक्चुअली जब ये जून 2010 में बनाया गया था तो इसमें स्वतंत्र सिंह थे। और एक चीज़ और बता दें आपको, हमेशा इसका चेयरपर्सन रिटायर सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब बना? जून 2010 में। हेड ऑफिस न्यू दिल्ली, किसके द्वारा बनाया गया? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया। इसका काम क्या है? अनुच्छेद 21 के तहत जो अधिकार दिए उनकी सुरक्षा करना। और किस तरह के इश्यू देखता है? इन्वायरमेंट इश्यू देखता है। चेयरपर्सन कौन है? आदर्श कुमार। और चेयरपर्सन हमेशा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज होते हैं। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है बिहू कल्चरल। तो बिहू इज ए फेस्टिवल इन आसाम एंड उड़ीसा रीजन। तो ध्यान रखना है कि बिहू इज ए फेस्टिवल, एक त्यौहार है जो आसाम और उड़ीसा के क्षेत्रों में पाया जाता है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई डांस है, कल्चर है, वेजिटेशन है, एनिमल है, ट्राइब है, तो ये ध्यान रखना ये पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर में नहीं आते हैं। सपोज कीजिए, जैसे मान लीजिए जो भाषा दिल्ली में बोली जाती है वही हरियाणा में, वो यूपी में, तो जो लैंग्वेज का कल्चर है, जैसा कल्चर दिल्ली में है वैसा ही हरियाणा में, वैसा ही यूपी में है, तो जो तीनों एरिया कनेक्ट करता है वो हमें नहीं पता चल पाता है कि ये व्यक्ति दिल्ली का है कि यूपी का है या हरियाणा का है, ठीक। उसी तरह से जो म्यूज़िक है वो भी दिल्ली का, हरियाणा का, यूपी का, सबका मिक्स है। तो ध्यान रखना, अगर आपके ऑप्शन में आसाम नहीं है और उसमें मेघालय दिया हुआ है तो आपका आंसर मेघालय हो जाएगा। तो क्या क्या याद रखना है? वेजिटेशन, कल्चर, एनिमल एंड ट्राइब्स, इनको हम पॉलिटिकल बाउंड्री में नहीं बांधते। अगर सपोज कीजिए कोई ट्राइब झारखंड की है और ऑप्शन उसमें दिए हुए हैं हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, तो आपको झारखंड तो नहीं है बट आपको छत्तीसगढ़ आंसर लगाना है क्योंकि झारखंड से पास में है। शायद हमारी बात समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो बिहू इज ए फेस्टिवल इन आसाम, थ्री डिफरेंट फेस्टिवल सॉरी। तो जो बिहू है वो एक त्यौहार है और ये तीन टाइप का त्यौहार है। असम के एरिया में ये मनाया जाता है, तीन समय मनाया, दुर्गा पूजा के समय, फसल कटाई के समय और एक जून में। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके, लोकपाल, ठीक है। लोकपाल की हम बात करते हैं तो देखो दो चीजें हैं, तो लोकपाल और लोक आयुक्त, इन पे थोड़ा समझते हैं, पर लोकपाल की बात करते हैं। लोकपाल एक संस्था है और लोक आयुक्त भी एक संस्था है। लोकपाल कोई व्यक्ति नहीं है, ये बात आपको समझना है। तो लोकपाल इज ए बॉडी, लोक आयुक्त इज ए बॉडी। लोकपाल में भी एक हेड और आठ व्यक्ति और होते हैं, लोकायुक्त में एक हेड और आठ लोग और होते हैं, तो ये ध्यान रखना। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि लोकपाल सेंटर गवर्नमेंट के लिए काम करता है और लोक आयुक्त हर स्टेट में काम करते हैं। तो ये चीज़ समझ लेना है कि जो लोक आयुक्त है वो स्टेट के लिए होता है और लोकपाल सेंटर के लिए होता है। यानी पूरे देश का अगर कोई मुद्दा है तो उसको लोकपाल हैंडल करेगा और अगर किसी स्टेट का मुद्दा है तो उसको कौन करेगा? लोक आयुक्त हैंडल करेगा। तो अब इसमें हम देख लेते हैं कि जो लोक आयुक्त है उसकी चयन समिति में कौन कौन होता है। देखो सेम चीज़ है, लोकपाल की जो चयन समिति में सेंटर पर होंगे वही स्टेट में लोक आयुक्त के होंगे। तो चयन समिति पहले व्यक्ति होते हैं प्रधानमंत्री, दूसरे हैं लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा है विपक्ष का नेता, सुप्रीम कोर्ट के जज और राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई एक व्यक्ति। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि
क्योंकि अभी लोकपाल बना है, भारत में पहला लोकपाल बना है, और तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा व्यक्ति लोकपाल या लोक आयुक्त की चयन समिति में शामिल नहीं होते। ठीक है, तो सेम चीज, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन एंड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ए पर्सन अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो हो गया लोकपाल। सेम चीज लोक आयुक्त में होती है। प्रधानमंत्री जगह पर वहां कौन होगा? मुख्यमंत्री। लोकसभा अध्यक्ष जगह पर कौन होगा? विधानसभा का अध्यक्ष, विपक्ष का नेता विधानसभा का। सुप्रीम कोर्ट की जज की जगह पर कौन होगा? हाई कोर्ट का जज। राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति की जगह कौन होगा? राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति। सेम चीज है, ठीक है। उस हम सेंटर को स्टेट से सीधे सीधे जोड़ देंगे। तो आई थिंक दैट इज क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। अभी एक आरबीआई टॉपिक है, ठीक है। आरबीआई ने बैंकों को, आरबीआई ने क्या किया था अभी कि जो एनपीए है उससे कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम बनाए थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अब जितनी जल्दी हो सके आरबीआई भारत में जो एनपीए है उस पर कंट्रोल करे। तो एक्चुअली आरबीआई की गाइडलाइन को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि भाई आप जो एनपीए को कम करो। तो क्वेश्चन एनपीए से बन सकता है, क्वेश्चन आरबीआई से बन सकता है। तो पहले हम आरबीआई की बात कर लेते हैं। तो आरबीआई इज अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत का सेंट्रल बैंक है, इंडिया सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। ये कोई बैंक नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। रिजर्व बैंक नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन विच कंट्रोल द इंश्योरेंस टू सप्लाई ऑफ द इंडियन रुपीज। तो पहला क्वेश्चन बनेगा आरबीआई के फुल फॉर्म द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा, द सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है ये, जो कि मनी के सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल करता है। एक ही काम है इसका, भारत में जो मनी का सप्लाई है उसको कैसे कैसे कंट्रोल किया जाए, यानी सप्लाई में कंटिन्यूटी रहे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना है वो कब बना है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत। इसको नेशनलाइज कब किया गया है? 1 जनवरी 1949 में। कब बना है? 1 अप्रैल 1935 में। तो ये ध्यान रखना है आपको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बैंकिंग सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, जो कि भारत में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। ये 1 अप्रैल 1935 को बना है। किस एक्ट के तहत बना है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इसको नेशनलाइज कब किया गया है? 1 जनवरी 1950। ये प्राइवेट तौर पर बना था, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एनपीए। बहुत चर्चा में रहता है ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो क्या है, कई बार मैं इसको डिस्कस करता रहता हूं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी ये वो एसेट है जो बैंक से लोगों के पास गया है लेकिन वापस नहीं आया है। इसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं, यानी मार्केट के चलन से बाहर हो गया। सपोज करो किसी व्यक्ति ने बैंक से 1,000 रुपये लिए और उसने वो रुपए वापस नहीं किए, ठीक है, तो वो एनपीए हो गया। तो ये ध्यान रखना है। और दूसरी चीज, सबसे ज्यादा एनपीए पब्लिक सेक्टर बैंक का है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी बनता है, जो एनपीए है वो किसका सबसे ज्यादा है? वो पब्लिक सेक्टर बैंक का। और पब्लिक सेक्टर बैंक में भी किसका सबसे ज्यादा? एसबीआई का, उसके बाद पीएनबी का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। एक चीज यहीं पर और आती है, बैड बैंक्स। तो बैड बैंक्स ऐसे बैंक होते हैं जो एनपीए की वसूली करते हैं। सपोज कीजिए कोई एक्स बैंक है, ठीक है, उसने बोला कि आपका 1,000 करोड़ रुपए एनपीए में है, मैं आपको वसूल करके दूंगा, आप हमें कुछ परसेंटेज दीजिए। तो बैड बैंक ऐसे बैंक हैं जो एनपीए को वसूली का काम करते हैं कुछ परसेंटेज पर। तो आई थिंक क्लियर है। एनपीए किसका है सबसे ज़्यादा? पब्लिक सेक्टर बैंक का, निजी बैंक का नहीं है। जाहिर सी बात है कि कोई निजी व्यक्ति क्यों पैसा देगा।
उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है द इमीसेट। इमीसेट क्या है ये? अभी बहुत न्यूज़ में था, अभी भारत सरकार द्वारा छोड़ा गया। सबसे पहली बात है इमीसेट इज ए सैटेलाइट, एक सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इमीसेट इज ए आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट, इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सैटेलाइट। तो ये भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सैटेलाइट है। ये किसके लिए बनाया गया है? आर्म फोर्स के लिए। किसने बनाया है? इसरो ने। किसके द्वारा छोड़ा गया है ये? पीएसएलवी C-45 के द्वारा। कहाँ से छोड़ा गया है? इसरो से। तो ध्यान रखना है कि द इमीसैट इज ए आर्टिफिशियल सैटेलाइट। फुल फॉर्म है इसका द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट। ऐसा बनने वाला सैटेलाइट भारत में पहला है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इसी की वजह से यूएसए ने बोला था कि जो स्पेस है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान रखना, ये पूछ सकता है कहाँ से छोड़ा गया? तो हरिकोटा से। किसके द्वारा छोड़ा गया? पीएसएलवी, है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, C-45 द्वारा छोड़ा गया था। इसरो क्यों देख लेते हैं, क्योंकि इसरो न्यूज में है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन किसका द्वारा बनाया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। काम क्या है? मैं जी पूछ सकता हूँ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इसरो? तो स्पेस साइंस रिसर्च। तो जो भी स्पेस से रिलेटेड रिसर्च होते हैं, सैटेलाइट को बनाना होता है, लॉन्च करना होता है, वो सारा का सारा काम इसरो द्वारा किया जाता है। कब इसको बनाया गया था इसरो को? 1962 में। हु इज द हेड ऑफ द इसरो? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसरो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखना है, इसरो द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये एक स्पेस एजेंसी है। किसके अंडर में आती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। मेन पॉइंट, व्हाट इज द फंक्शन स्पेस इन साइंस रिसर्च? कब बनाया? 1962 में। किसके अंडर में आता है? दैट इज अंडर प्राइम मिनिस्टर। अगर सीधे सीधे बात करते हैं ये प्राइम मिनिस्टर से। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, डीआरडीओ। डीआरडीओ भी देखते हैं, क्योंकि कुछ देखो बहुत से लोग नहीं समझ पाते डीआरडीओ क्या है और इसरो क्या है। पहली बात, डीआरडीओ दिल्ली में है, इसरो बेंगलोर में। फर्स्ट थिंग, डीआरडीओ का फुल फॉर्म देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कभी कभी वनडे एग्जाम में फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। और मैंने यकीन बताओ कई बार क्लास में देखा है कि बच्चों को नहीं पता डीआरडीओ कहाँ पर है, यूपीएससी क्लास में, ठीक है। तो आप समझिए इस चीज़ को, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर में आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। कहाँ पर है ये? न्यू दिल्ली में। कब बना? 1950। एक बार ध्यान रखना है, जिस साल नासा बना है उसी साल इस डीआरडीओ बना है। क्या काम है इसका? डेवलपिंग डिफेंस टेक्नोलॉजी कवरिंग वेरियस फील्ड, यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट के लिए इसको बनाया गया है। इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है इसके आरएस रेड्डी, ठीक है। तो एक बार चेयरमैन चेक कर लीजिए कि फॉर्म पूरा नाम नहीं आया यहाँ पर, ठीक है। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, दिल्ली में है, 1958 में बना है ये। और इसका काम है डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करना। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डॉल्फिन। अभी न्यूज़ में है डॉल्फिन, न्यूज़ में इसलिए है कि ये बोला गया कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है डॉल्फिन को प्रॉब्लम हो रही, यानी क्लाइमेट के चेंज होने से डॉल्फिन को खतरा है। तो डॉल्फिन इज ए एक्वाटिक मैमल्स, ये एक जलीय जीव है, ध्यान रखना है, ये एक जलीय जीव है। और ये एक्चुअली जो ओशनिक रीजन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, मतलब रिवर पोल्यूशन भी वहाँ जाता है और क्लाइमेट चेंज से भी प्रॉब्लम हो रही है। जब क्लाइमेट चेंज होता है
तो फूड चेन चेंज होती है। जब फूड चेन चेंज होती है तो कुछ स्पीसीज एक्सटेंट होते हैं, ख़त्म होते हैं। जब कुछ स्पीसीज ख़त्म होते हैं और जो जैसे मान लीजिए कोई स्पीसीज या कोई जंतु या कोई पौधा ख़त्म हुआ और मान लीजिए वो किसी का भोजन है तो उस पे जो आश्रित है वो ख़त्म हो गया। तो क्लाइमेट चेंज से क्या होता है, कुछ सीधा मतलब रिलेशनशिप है, क्लाइमेट चेंज होगा तो बायोडाइवर्सिटी चेंज होगी, कोई ना कोई प्रजाति ख़त्म होगी। जब प्रजाति ख़त्म होगी तो उस पे रहने वाले जीव जंतु ख़त्म होंगे, तो ये ध्यान रखना है। तो हमें अगर डॉल्फिन को बचाना है तो ओशनिक पॉल्यूशन को भी कम करना है, क्लाइमेट चेंज को भी कम करना है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्लाइमेट चेंज होगा, मान ली ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो मछली तो पानी रहती है, उसे क्या प्रॉब्लम? नहीं, मछली की बात नहीं है, बात है कि वो जो भी एनिमल हैं वो किसी न किसी पर डिपेंड हैं, क्योंकि एनिमल्स आर कंज्यूमर, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर। तो ध्यान रखना, अगर कोई प्लांट ख़त्म होगा तो प्रोड्यूसर ख़त्म होंगे तो कंज्यूमर अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो डॉल्फिन से रिलेटेड ये था। तो ये था आज का करंट अफेयर्स, तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं। थैंक यू।